नमस्ते। हेलो, मैं राजेश कुमार बिन, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का टॉपिक है हफ्ते के हर दिन में किसी शुभ काम के लिए घर से निकलते हैं तो उसमें क्या चीज़ मुंह में डालकर या खाकर निकलना चाहिए जिससे कि अच्छा रहता है। आप सभी देखने वाले लोगों को राजेश का नमस्ते, और यदि मुसलमान भाई लोग देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। कहा जाता है रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल कहे कि धनिया पाऊं, बुध के मिठाई बेफे राई, शुक्रवार को दही सुहाई, सनिया कहे घी जो पाऊं, काले जीत घर ले आऊं। तो इसमें यह है कि किसी भी आप शुभ काम के लिए घर से जाते हैं, आप नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, विद्यार्थी हैं, यदि किसी शुभ काम के लिए आप घर से निकल रहे हैं तो उसमें अपने मुंह में ये सब दिन के अनुसार अपने मुंह में डालकर या थोड़ा सा खा करके निकलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रवि को पान, यदि रविवार के दिन आप निकल रहे हैं किसी शुभ काम के लिए तो पान का सेवन आपको करना चाहिए। यदि जर्दा पान नहीं खाते हैं तो मीठा पान भी खा सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग मीठा पान भी न खा रहे हों तो कम से कम एक पान की पत्ती, एक जो पान की पत्ती होती है उसको पाकिट में ही रख लें, इससे भी ठीक रहेगा। तो सोम को दर्पण, यदि सोमवार के दिन घर से निकलते हैं किसी भी शुभ काम के लिए, चाहे विद्यार्थियों परीक्षा देने जा रहे हों या बड़े बुजुर्ग लोग हैं, किसी भी शुभ अवसर पर निकल रहे हैं घर से, तो सोमवार के दिन आप शीशा होता है उसमें जो दर्पण होता है उसमें अपना चेहरा देख करके और घर से निकलना चाहिए। और मंगलवार के दिन मुंह में धनिया थोड़ा सा डाल करके और घर से बाहर किसी भी शुभ अवसर पर निकलें, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। और बुध के दिन मिठाई, बुधवार है, बुधवार के दिन आप किसी शुभ काम के लिए घर से निकलते हैं तो मुंह में थोड़ा सा मिठाई डाल करके और उसके बाद आप घर से निकलें, आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बेफे के दिन थोड़ा सा राई मुंह में डाल करके घर से निकलें किसी भी शुभ काम के लिए तो अच्छा बताया गया है। और शुक्रवार के दिन दही, किसी भी शुभ काम के लिए जो आप निकल रहे हैं तो दही का सेवन करके, थोड़ा सा दही मुंह में डाल करके या थोड़ा दही खा करके यदि घर से निकलते हैं किसी शुभ काम के लिए तो ये बहुत ही शुभ है। और शनिवार के दिन घी थोड़ा सा मुंह में डाल करके और घर से निकलते हैं तो आप सब सभी लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। किसी भी शुभ काम के लिए घर से निकल रहे हैं तो ये जो भी बताया गया दिन में जो खाने की जो चीज़ें हैं इनका सेवन करके थोड़ा सा मुंह में डालकर निकलते हैं तो भगवान आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। आप सभी देखने वाले लोगों को राजेश का नमस्ते। आप लोग बहुत बहुमूल्य अपना समय दे करके और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।